आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज लाइफ में हम अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो वो कह रही है, देखो दो तरह के लोग हैं, राइट? सिंस द टाइम वी स्टार्टेड, अब तक हमने इतनी बुक्स पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वी नो कि पैशन निकालना बहुत जरूरी है एट द एज ऑफ बींग अ सीनियर, बींग अ टीनेजर, बींग एन एडल्ट, बींग इन द मिडल एज, बिकॉज लाइफ में ऑटोमेशन आ रहा है ना, एक तरफ हार्ड वर्क है बट दूसरी तरफ ऑटोमेशन भी तो आ रहा है. एंड फ्यूचर के जितने भी विजनरीज हैं, दे से वन थिंग वेरी वेल के फ्यूचर में जाके और आदमी के पास रिक्रिएशन का टाइम होगा, एंटरटेनमेंट का टाइम होगा. तो उस वक्त अगर और पैशन नहीं होगा तो और डिप्रेशन होगा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है? सो पैशन आपको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए बहुत जरूरी है. नाउ कुछ लोगों के पैशन होते हैं, दे लाइक कुकिंग, राइट? बहुत बड़े सीईओज, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे वीकेंड पे कुक करते हैं, राइट? उनके पास मेड्स, कुक्स, एवरीथिंग दे हैव अवेलेबल, राइट? देन देयर आर पीपल हु डू गार्डनिंग, गार्डनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं. देन देयर आर पीपल हु गो फॉरेस्ट वॉक. आजकल बहुत शुरू हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लोग फॉरेस्ट वॉक चार्ज करते हैं, जंगल में चले जाते हैं बाइक्स लेके, चीजें लेके, वहां जाके वॉक करते हैं, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दूर चले जाते हैं डाउन टाउन स्टाइल बिल्डिंग से, राइट? पूरा दिन कॉर्पोरेट में लाइट्स में रह रहे के दिमाग थक जाता है. सो दे गो अगेंस्ट वॉट दे डू एवरी डे, राइट? बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं, दैट्स व्हाई फ्रेंचाइजेस लाइक आर्ट्स, एटसी, पेंट विद अ ट्विस्ट, पेंट ब्रश, आप देख रहे हो इस तरह की चीजें आ रही है. क्यों? बिकॉज ये लोगों को हॉबी देती है, एक घंटे के 70, 80, 100 डॉलर लेती है. पीपल गो फॉर मसाजेस आउट बिकॉज स्ट्रेस से, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है. आई डोंट वॉन्ट टू नेम समवन, मुझे बहुत हैरत हुई जान के समबडी इन द मिड 40s गॉट इन टू हार्ट अटैक, और पता चला दैट ही गॉट इन टू द मेंटल हेल्थ इशूज. And physically nobody could realize that he had that thing. But उसका जब depression testing किया तो पता चला he was under severe work depression for last 6 months. उसे घर में किसी को पता नहीं चला, spouse में किसी को पता नहीं चला, and suddenly he got diagnosed, उसका हाथ और पैर paralyze हो गया at the age of 43, right? So those kinds of thing comes because mental health एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है but exist करती है. इट्स द सेम थिंग कि आपके रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाए या प्योरिटी खत्म हो जाए या पोल्यूशन आपके रूम में आना शुरू हो जाए तो आप ब्रीदिंग करना मुश्किल हो जाती है. ब्रीद आप फिर भी कर रहे होते हो, ब्रीद आप बहुत ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट भी करते हो, बट आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होती है, कैसे रूम में जहाँ कार्बन कॉन्टेंट ज्यादा है, राइट? इसलिए आप देखते हो वो शहर जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा है, धूल ज्यादा है, लोग चिड़चिड़े होते हैं, पीपल टॉक लाउडली, लोग ज्यादा वॉयलेंट होते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं. जबकि आप सुकून वाली जगह पे होते हो, नॉइस फ्री जगह पे होते हो, पोल्यूशन फ्री जगह पर होते हो. यही एशियन लोग जो वहां पे लड़ाई कर रहे होते हैं यहाँ हम्बल हो जाते हैं, येस और नो, राइट? सो इट्स दैट इन्वायरमेंट दैट इफेक्ट्स यू. दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं ना तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज है. इन्वायरमेंट अगेन डज नॉट मीन ब्रांडेड थिंग्स, इन्वायरमेंट मीन क्लीनलीनेस, प्योरिटी इन एयर, प्योरिटी इन माइंड. तो एक चीज लिख लें, मुझे बहुत अच्छी, मैंने सुबह कहीं पढ़ी, इस वॉज कि आर बॉडी इज बिल्ट अप ऑफ थ्री थिंग्स. वॉट इज दैट? माइंड, बॉडी या हार्ट एंड सोल. वो कहते हैं माइंड खुश किससे होता है, पूरी बुक की समरी बता रहा हूँ. माइंड खुश होता है सक्सेस से, तो माइंड को सक्सेस चाहिए. छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी तो वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा. वो टोनी रॉबिन्स का याद करो, वो लेडीज या वो लोग जो कि डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहने वाले का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा अपने ऊपर ही नहीं होता, दुनिया पे होता है. तो वो उसको कहता है छोटी छोटी थैंकफुलनेस या खुदा के शुक्राने की चीजें याद करो. बोलती कोई है ही नहीं मेरे में कमाल की बात. वो बोलती है कि नहीं कुछ तो ढूंढो, कुछ तो ढूंढो. बोली 17 साल से डिप्रेशन की मरीज हूँ. बोलता है कुछ तो ढूंढो, जाओ कल वापस आना. 3 दिन तक कुछ नहीं मिलता. फिर उसको मिलता है, यार मैं तो वियतनाम की वॉर में अपने बच्चों को बचा के भाग के यूएस आ गई थी. तो देखो आप बोल रहे हो कुछ नहीं, इतनी बड़ा काम किया आपने. बोला हाँ, मगर अभी बच्चे अपने काम में लग गए, कोई पूछता नहीं. बोला कोई बात नहीं, दैट्स देयर हेडेक, यू डिड सर्वाइव देम फ्रॉम द वियतनाम वॉर, जाओ कल जाके कुछ और ढूंढ कर. बोलते कुछ भी नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल से थी. बोले कुछ ना कुछ तो होगा. कल आती बोलती, यार मेरे को तो 5 लैंग्वेजेस आती है, फिलिपिनो आती है, चाइनीज आती है, वियतनामी आती है, इंग्लिश आती है, रशियन भी सीख रही थी. बोले लो तुम बोलती हो कुछ है नहीं मेरे पास.
बोलती। और मेरे को एक और बात पता है, मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करती थी, आजकल हेल्थ अच्छी नहीं तो नहीं करती। बोलता लो तीन चीजें हो गई दैट यू कैन बी थैंकफुल अबाउट, राइट। बोलता कल वापस आओ। बोलते कुछ भी नहीं है भाई। बोलता वापस आओ। बोलता ठीक है। दूसरे दिन पांच चीज लेकर आती है। तो ऐसे करके एक हफ्ते में उसको 25 चीजें अपने अंदर अच्छी नजर आना शुरू हो जाती है, और 1 महीने के बाद वो डिप्रेशन की पिल्स लेना बंद कर देती है, 17 साल वाली पेशेंट। सो समझ क्या आया, टेक्निकली क्या किया टोनी रॉबिन्स ने, कि उसके माइंड को सक्सेस चाहिए था, उसको सक्सेस मिल नहीं रहा था और वो सक्सेस अप्रिशिएट नहीं, तो उसने छोटा छोटा सक्सेस याद दिलाया। वियतनाम की वॉर से भागी थी उस सिचुएशन में। सो ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन कि आपको अपनी 10 सक्सेसफुल चीजें याद करनी है, जिसको आज आप टेकन फॉर अकाउंटेड लेते हो, बट शायद किसी के लिए या आपके लिए खुद वो एक बहुत बड़ा सक्सेस हो उस जमाने में, आज नहीं है। आज मैंने कहा ना, इंसान का मतलब इज मेमोरी लॉस, भूल जाता है रोज सुबह उठता है, तो ना भूले तो आप उठ भी ना सको, इतना लाइफ का बर्डन है, राइट। तो खुदा की ये ब्लेसिंग है कि आप भूल जाते हो, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी भूल जाते हो। दैट्स व्हाई वी आस्क यू टू राइट इट डाउन, राइट। कभी डॉग ट्रेनिंग देखी है, किसी ने डॉग को ट्रेन कैसे करते किया जाता है? सो जब आप डॉग ट्रेनिंग देखोगे ना, आई हैव क्लोजली नोन समबडी जो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग ट्रेनर है, उससे मेरी बात हो रही थी, एंड ही सेड जब डॉग का मालिक चले जाते हैं ना, तो हम डॉग को थोड़ा मारते भी हैं, थोड़ा सा उसको हीट करते हैं, थोड़ा सा उसको एंटी पैम्पर जोन में ले जाते हैं, और उसको कैरेट और स्टिक दोनों दिखाते हैं कि बेटा ये खाएगा तो खाना मिलेगा, ये नहीं खाएगा तो स्टिक भी पड़ेगा, राइट। तो जब जब उसको स्टिक पड़ता है ना, तो उसको मैनर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो 3 4 दिन बाद जब आके लेता है, उसका ओनर उसको और मालिक दोनों लेके खड़ा होता है कैरेट और स्टिक, वो बोलता है कॉल योर डॉगी, यू नो ही विल हियर यू। वो जाता है, वो उसको लव करता है, हग करता है, उसको थोड़ी पता है डॉग के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो डॉग को बोलता है वो हैव फूड, ज्यादा जल्दी से लपकता है, पहले नखरे कर रहा था, बिल्कुल सही हो जाता है, राइट। वो बोलता है ऐसे करो वैसे करो, यू नो डॉग डज एवरीथिंग। उसको हैरत होती है यार, इसने क्या कर दिया एक 6 घंटे में 8 घंटे में, जो मैं इतने टाइम से नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा उसने डॉग को डिफिकल्ट टाइम दिया, उस डिफिकल्ट टाइम से क्या हुआ, डॉग थोड़ा सा एथिकल हो गया, डॉग थोड़ा सा जो है उस जोन में आ गया कि ना वो अपने मालिक की बात अच्छे से सुन रहा है। तो ऊपर वाला भी यही करता है कि जब हम अपनी जगह से नहीं हिलते, हम जब जो है बहुत ज्यादा डिप्रेशन जोन में जाते हैं, हम जब बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हिला देता है हमको। वो फार्मेसी की बॉटल पे लिखा होता है ना, घुमा के देखना, शेक वेल बिफोर यूज, तो यूज करने से पहले थोड़ा शेक करता है ऊपर वाला, राइट। वो शेक करने से होता है कि हम लोग फॉर्म में आ जाते हैं, ऐसा ही है। सो कहते हैं ना, कुछ चीजें जिस लाइफ में हमारा पावर स्टेटमेंट होती है, उसको लिख लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम नहीं लिखते हैं ना, और हम डिप्रेशन और डिमोटिवेशन में चले जाते हैं, नहीं भी जाए तो देर इज नो मीटर, राइट। बुखार होता है, सर पे हाथ रखो, टेम्परेचर इज देयर। डायबिटीज होता है, कहीं पे हाथ रख के पता चलता है, नहीं मीटर लगाना पड़ता है। ब्लड प्रेशर होता है, पता चलता है, नहीं मीटर लगाना पड़ता है। डिप्रेशन साइलेंट डिजीज की हद है, पता ही नहीं चलेगा कि आपको डिप्रेशन है, बट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, यू नो देर कुड बी। आप एल्डरलीज हो ना, आप सीनियर्स हो ना, आपका फर्ज बनता है, इन मेनी ऑफ यू अटेंड द वर्कशॉप बिकॉज ऑफ फैमिली में डिफरेंस लाना चाहते हैं, करेक्ट। तो सबसे ज्यादा जो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, बीइंग अ मेंटोर सीनियर एल्डरली, वो है चेक करना कि फैमिली में सब खुश तो है, एंड दिस खुश का मतलब पैसा नहीं है। ऑब्वियसली मिलियन डॉलर अकाउंट में डाल दोगे तो 10 मिनट के लिए खुशी तो सबकी होगी ना, आप वो कर सकते हो कर दो, लेकिन दैट्स टेम्पररी। द मेजर थिंग दैट यू कैन डू एज अ सीनियर और एन एल्डरली इज, आप जिंदगी के अप्स एंड डाउन से निकले हो, सो यू नो कि जो नए बच्चे या नया यूथ या जो आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में फंसा हुआ है या ब्रांडेड लाइफ की भाग दौड़ में फंसा हुआ है, उसको कभी कभार आपको कंफर्ट जोन देना है, कॉल कर लेना है, क्या हो रहा है बेटा, क्या चल रहा है, इज एवरीथिंग ओके, कुछ आगे पीछे हो गया। बहुत सारे आप लोगों को सेवा करनी है, यंगस्टर्स रह रहे हैं विदाउट देयर पेरेंट्स, राइट। उनके माँ बाप कहीं और कंट्री में है, वो रह रहे हैं, दे आर फेसिंग दोज डिफिकल्टीज। हो सकता है कोई गैस स्टेशन पे जॉब कर रहा है, कोई नया इमिग्रेंट है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, किसी को घर जाके 18 घंटे काम करने के बाद खाना मिल रहा है, नहीं। तो अभी देखो, आप सब 200 बुक पढ़ ली हो ना, तो यू ऑल आर मेंटोर्स, आप लोगों को इस तरह की हरकतें करती रहनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा अपनी जो बुक्स में लिखा हुआ है ना, उसमें से पांच चीज पढ़ के चले जाओ एक दिन। अब कोई मुर्गा ढूंढो, कोई बकरा ढूंढो यार,
बकरा इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव, यार मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, राइट? और वो पांच चीजें उसके साथ करने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी यू विल मेक समबडीज डे। 5 मिनट किसी से बैठ के बात कर लोगे ना किसी का। आज के जमाने में देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, जापान में मैंने बताया था, देखो जापान इज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, उनको पता है किसी के पास किसी के सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो उन्होंने बोला लेकिन सुनना नीड तो है, राइट? जब सीनियर सेंटर होते हैं, जो अच्छे सीनियर सेंटर, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं पता है वो? बिकॉज आई हैव बीन इन द सीनियर सेंटर बिजनेसेस, ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं देखे मैंने, सो आई हैव सीन जो अच्छे सीनियर सेंटर्स हैं ना, वहाँ पे ज्यादा लिसनर्स होते हैं, ज्यादा केयर टेकर्स होते हैं, और जो बुरे वाले हैं उसमें कम होते हैं, 1:10 रेशो होता है, 1:4 होता है, तो कहानी सुनने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो जापान को पता है, तो जापान ने बोला कि रेंट अ मदर, रेंट अ फादर, रेंट अ ब्रदर, रेंट अ फ्रेंड, ये वेबसाइट्स बना डाली कि वो, कि आपको फ्रेंड चाहिए, किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिजी है, मैं $80 एन आवर चार्ज करूंगा, मैं आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करूंगा, चुपचाप आपकी बात सुनूंगा, आप मेरे से बात कर लो, ठीक है? तो रेंट अ वाइफ को छोड़ के सब रेंट कर दिया उन्होंने, और उनको पता है कि सारी चीजें, और पीपल यूज दो सर्विसेज। देखो दुनिया किस तरफ जा रही है, दिस इज द हाइट ऑफ मटीरियलिज्म, के ठीक है तुम्हारी इमोशनल नीड है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यार आई हैव द बिल्स टू पे, तो मैं तुम्हारा दादा बन जाता हूँ, पर भाई $40 का रेट है, चाहिए तो दादा बनने को तैयार हूँ, कल बताओ किस टाइम पे बात करनी है, ठीक है? चलते फिरते पकड़ लो किसी को, हर जगह लोगों को लोग चाहिए, राइट? आज भागदौड़ में कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा है, तो व्हेन यू कैन लिसन टू देम, आप उसे कंधे पे हाथ रख दो, यू टॉक टू समबडी, किसी का फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, राइट? कोई इकोनॉमिकली फंसा है, कोई रिसेशन में फंसा है, कोई हेल्थ में फंसा है, तो ये बुक जो पढ़ते हो उसको करो। तो वो जो आज का टॉपिक है, वापस से उस पर आता हूँ, दैट इज पावर ऑफ प्रिजर्वरेंस एंड पैशन। तो हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स निकाली, उसमें पॉइंटर्स आए, वो ये कहता है कि लोग सबसे ज्यादा पहली चीज जो जिंदगी में मुश्किल है, पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मैं अभी 2 दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू आर्मी पब्लिक स्कूल, 7,000 किड्स थे वहां पे, आर्मी वाले, फ्यूचर आर्मी स्टूडेंट्स थे, लाइफ बहुत डिसिप्लिंड है, और आर्मी बहुत तरह की चीजें कराती है, माइंड टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, क्या क्या क्या, मार्शल आर्ट्स, लेकिन आई वॉज टॉकिंग अबाउट पैशन, राइट? और मैं देखता हूँ पैशन 13 साल के बच्चे के लिए भी मुश्किल है, 21 साल के जवान के लिए भी मुश्किल है, और 70 साल के सीनियर के लिए भी मुश्किल। तो इसका मतलब है अपने आप को पहचानने में कोई तो राज छुपा हुआ है, कोई तो सीक्रेट है, राइट? इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल टॉक, बट ऑन अ वर्ल्डली लेवल, क्योंकि आप देखते हो सारी कॉर्पोरेट बुक्स में आज जो सोल्यूशन आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल साइंसेस के, राइट? मेडिटेशन हमको बचपन से सिखाई गई है, इसलिए हमको नया नहीं लगता। गोरे दे पे आर्ट ऑफ लिविंग एंड दोज काइंड्स ऑफ क्लब टू डू मेडिटेशन। अब दीपक चोपड़ा कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में जाके देखो, $10,000 के इवेंट्स होते हैं, उसमें मेडिटेशन कैसे वो सिखाई जाती है, सुकून चाहिए, लोग इतना डेस्परेट है, राइट? मतलब पीपल पे टू गेट दोज राइट्स एंड सेरेमनीज, एंड व्हेन दे डू इट दे पोस्ट ऑन फेसबुक, यार आज मैंने मेडिटेशन की, तुम मेरी वीडियो निकालो, इंस्टा में टिकटॉक में मेडिटेशन कर रहा हूँ, लाइक देन पीपल डिस्प्ले दोज, है? बट दुनिया अब उस तरफ जा रही है, राइट? कि बहुत पैसे बना लिए, सुकून नहीं है, यू नो हाउ टू गेट दैट, सो देर इज ऑलवेज अ कनेक्शन, देर इज अ बैलेंस लाइफ। तो माइंड को क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, लिख लो। तो आपकी लाइफ में आपको डिप्रेशन से या बचने के लिए या हैप्पीनेस लाने के लिए सक्सेस करते रहना पड़ेगा। अब थोड़ा सा पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सक्सेस कैसे करें, राइट? तो पहला है माइंड वॉन्ट्स सक्सेस, किस तरह से सक्सेस को लाया जाए, प्रिपेयर कैसे करें अपने आप को सक्सेस के लिए, उससे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है माइंड में, वो नाम आ जाता है। एंड वी हैव रीड सो मेनी बुक्स ऑन मेडिटेशन एज वेल, जिसमें पता चलता है कि माइंड स्टिल होता है तो सुकून मिलता है, राइट? मैं व्हाइट बोर्ड पे वापस से आता हूँ। एक चीज, फर्स्ट चीज थी माइंड को सक्सेस चाहिए, हार्ट को लव चाहिए, और सोल को पीस चाहिए। और वो ये कहता है कि जब ये तीनों चीजें आप दे देते हो ना, तो दैट्स कॉल्ड आइडियल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये लिख लो सब सब। तो ये चीज हमारे पास है, अगर सक्सेस देंगे माइंड को तो वो खुश रहेगा,
अगर हार्ट को लव देंगे तो वो खुश रहेगा, इसलिए हमारे इर्द गिर्द लोग नहीं होते। कोविड में जब सब सन्नाटा हो गया था तो लोगों का डिप्रेशन पीक पे चला गया था। सिर्फ कोविड वॉज नॉट द ओनली रीजन, मेजर रीजन वॉज लोनलीनेस, यू नो, ब्रेकेज ऑफ सोसाइटी अराउंड यू। और उसके बाद जूम मिल गया तो फिर जूम पे आदत हो गई, बट लव मिल रहा था। ठीक है, तो सेकेंड चीज बहुत जरूरी है लव। कि अगर हम लोग मेडिटेट करते हैं तो हम लोग दो तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक बेनिफिट हमको होता है कि हम, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, मेडिटेट करने से नेगेटिव इमोशंस हटा सकते हैं। दूसरा ये होता है नेगेटिव को हटा सकते हैं, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, दूसरा फोकस बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो मसला है ना, वो ये है कि हमको पता नहीं है कि हमारा पैशन क्या है। अगर हम ढूंढ भी लेते हैं तो हम इतना चेंज होते हैं, या तो हमें खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमको लगता है एक ही दिन करके हम खुश भी नहीं हुए, ये चीज काम नहीं कर रही है, फालतू है, लीव इट, राइट। या तो हमें लोग उसके बारे में कुछ कह देते हो, हाउ कैन यू डू दैट, यू आर टू ओल्ड फॉर दैट, या लोग हंसते हैं, या हमें अपना फियर होता है कि पीपल विल लाफ एट अस, राइट, तो हम छोड़ देते हैं। तो यही बात मुझे ने कही। अब देखो दोनों चीजें मेडिटेशन में हो रही है। सो मेडिटेशन जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे, रादर देन ओनली रिलाइंग ऑन द चैंटिंग या गॉड्स नेम, ऑल्सो ट्राई टू फिगर आउट, अपने आप को पहचानने की, कि यार क्या नेगेटिविटी चलती है आपके माइंड में, राइट, क्या फियर्स आपके माइंड में। फियर और नेगेटिव आर टू सेम वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। जो नेगेटिविटी आपके माइंड में होगी ना, वो फियर बन जाएगा अगर नहीं निकाला गया तो। मेडिटेशन के जरिए जब आप सोचोगे आईज बंद करके, मुझे क्या डिस्टर्ब करता है, क्या डिस्टर्ब करता है, क्या डिस्टर्ब करता है, मैं क्यों नेगेटिव हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, विल गेट टू नो अबाउट समथिंग। और आपको जब पता चल जाएगा ना, तो वो आपको जो पता चलेगा उसको अंग्रेजी में बोलेंगे फियर। वो आपका फियर होगा जो कि शायद आपको नहीं पता हो। एज अ पर्सनैलिटी आप हो सकते हैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हो, बट आपका फियर होगा। एक चीज आपने बोली, वहां से मुझे एक और कोटेशन याद आया कि खुदा कुरान में कहता है कि मेरा वो बंदा जो मुझे याद करता है दिल में, मैं उसे दिल में याद करता हूँ। 10 लोगों में याद करता है, मैं उसको अपने 10 फरिश्तों के सामने याद करता हूँ। जो मुझे जहां में याद करता है, मैं उसको पूरे जहां के सामने याद करता हूँ, राइट, और उससे ज्यादा इंटेंसिटी से याद करता हूँ। तो ये बात तो खुदा ने बता दी है कि तुम एक दफा बढ़ोगे तो मैं बहुत ज्यादा बढ़ूंगा। तो अगर उसकी प्रेजेंस फील करके उससे बात करते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो सामने से जवाब ना दे रहा हो। ठीक है ना, ये उसने साइन कर दिया है ब्लैंक चेक पे, राइट। तो और खुदा की एक बात क्वालिटी सबसे ऊपर है कि वो जो बोलता है वो करता है, राइट, वो मिस कमिटमेंट वाला नहीं है, राइट। तो उसमें उसको रूल्स भी ब्रेक करने पड़े, वो रूल्स भी ब्रेक करेगा, रिमूव कर देगा। तो अगर हम चीज उस पर कोई ट्रस्ट करते हैं या उससे कोई चीज करते हैं और हमको लगता है यार पता नहीं देख भी रहा होगा, नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, 6 बिलियन लोग हैं, मुझे कितना टाइम मिलता होगा उसमें से, राइट, फिर 6 बिलियन तो यहाँ पर है, कितने सोलर सिस्टम है, ब्ला ब्ला, तो हम लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं, राइट, तो हमको उसका मतलब समझ आ जाता है कि उसमें इतना पावर है ये 6 बिलियन लोगों को साथ सुन सकता है और 6,000 बिलियन लोगों को भी साथ सुन सकता है। तो होता क्या है कि वो जो अल्लाह अकबर था ना, उसकी इंटेंसिटी में पावर आ गया। एक वाइटामिन डी 50 ग्राम की थी और एक 5,000 ग्राम की थी। 50 ग्राम की लोगे ना तो बिस्तर से उठ के 10 कदम वॉक कर लोगे, 5,000 ग्राम की लोगे ना तो 3 माइल दौड़ लगा कर आ जाओगे, राइट। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी अल्लाह का नाम बोलते हो ना, सो लेट्स से व्हेन यू से अल्लाह अकबर, बट एक है कि बोल रहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसे खुदा बोले तो क्या हुआ यार, हूं मैं बड़ा यू नो, सो व्हाट्स द डिफरेंस। बट एक चीज है कि आप इस तरह बोल रहे हो कि यार 6,000 लोगों के बारे में, 6,000, आज जो हमने एग्जाम्पल बोली उससे हमको समझ आया, हाँ यार वाकई वो कितना बड़ा है, यू नो, इतने लोगों को साथ सुन सकता है। और फिर आपको दूसरे पॉइंट पे रियलाइज हो कि मैं कितना छोटा हूँ, राइट, मैं तो अपने घर के 10 लोगों की बात ज्यादा एक साथ नहीं सुन सकता, अपने ऑफिस की 10 लोगों की बात नहीं सुन सकता, राइट। सो जब आप एक चीज को बड़ा करते हो ना, एक लाइन बनाई जाती है, बचपन में सिखाया जाता है और बोला जाता है इसको टच किए बगैर छोटा करो, तो आप उसके पास एक बड़ी लाइन लगा देते हो और आप बोलते हो छोटी हो गई ना दूसरी वाली लाइन, राइट, हाथ लगाए बगैर।
सो दैट्स द सेम थिंग दैट हैपेंस कि जब आप ऊपर वाले को बड़ा बोलते हो ना, तो आप खुद छोटे हो जाते हो विदाउट रियलाइजिंग, और आपका ईगो खत्म हो जाता है, दुनिया आपको सक्सेसफुल करना शुरू कर देती है, आप तो वो सारी चीजें आ जाती है अपने आप को खत्म कर देने से, अपने आप को हम्बल कर देने से। और उसका एक तरीका है कि या तो छोटी लाइन के पास इतनी बड़ी लाइन बना दो कि वो लाइन खुद ही हाथ लगाए बगैर छोटी हो जाए, तो हो गया, हम ह्यूमिलिटी आ गई, राइट? तो इसलिए खुदा कहता है जिक्र से ह्यूमिलिटी आती है, बट हम लोग जब जिक्र करते हैं तो हम लोग एक नाम को 5,000 दफा पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि मतलब क्या है, राइट? तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ गया कि चैट जीपीटी में बोलो अल्लाह अकबर 1,000 टाइम्स, वो 1,000 टाइम प्रिंट कर देगा, बोलने की जरूरत नहीं है ना, उससे खुदा को फर्क पड़ना है ना आपको पढ़ना है, राइट? तो खुदा को तो चैट जीपीटी बहुत पहले से पता होगा ना, यस और नो, राइट? तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमारा रिलीजन इजोटेरिक है, एक दफा भी पढ़ लोगे ना, लेकिन उस इंटेंसिटी से पढ़ोगे कि वो विटामिन डी 50,000 ग्राम की हो, यू नो 50 ग्राम की ना हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहली चीज जो हमने देखी, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, वो थी कि पैशन निकालना जरूरी है। अब दूसरा मसला भी है, ऑथर कह रहा है ये दो चीजें कंप्लीट होगी ना तो हैप्पीनेस होगी, वरना हैप तक होगे पी नहीं होगा। हैप का मतलब हैपनिंग हो रही है, लेकिन पी वाई पी लगेगा तो हैप्पी हो जाएगा, राइट? प्रिजर्वरेंस, वो चीज जो मिली है उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, राइट? तो वो लास्ट टाइम स्टोरी हमने बात की थी एक दफा कि डॉग और रैबिट की रेस लगना शुरू हो गई, डॉग चेस कर रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बहुत तेज भागता है डॉग भी, रैबिट और तेज भागता है, भागते 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 एट द एंड डॉग थक जाता है, कभी ऊपर जा रहा है रैबिट, कभी नीचे जा रहा है रैबिट, भी थका हुआ है डॉग, भी थका है, बोलते है भाई रुक जा, अब बस की बात नहीं है, अब ये बता के तुम्हारे पैर आधे हैं मुझसे, छोटे छोटे पैर हैं मेरे तुमसे, डबल ट्रिपल साइज पैर है, मैं भी जंप करता हूँ तुम भी जंप करते हो, कैसे बच जाते हो मेरे से हमेशा? तो बोलता है कि डॉग भाई माइंड सेट का फर्क है, तुम खाना पकड़ने के लिए भाग रहे हो, मैं जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ, तो मैं गलती का एक चांस भी मिस नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए एक मिस हो गया तो दूसरा रैबिट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, राइट? तो समझ क्या आया कि माइंडसेट का फर्क है। एक पैशन आप बोलते हो चलो ना यार फारिग होंगे तब करेंगे, तो जब आप फारिग होते हो तो कभी ना कभी उसको, और एक पैशन है कि यार आप करते हो कि नहीं इससे मुझे कुछ डिफरेंस पैदा करना है, इससे मुझे कुछ मिलेगा, इससे मैं कुछ लाइफ में इम्पैक्ट लाऊंगा, तब्दीली लाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा। तो आपको सोचना है कि आप डॉग बन के पैशन करोगे कि रैबिट बन के पैशन करोगे, जीतोगे तो रैबिट बन के जीतोगे, डॉग बन के जीत नहीं सकते। दैट्स द सेम थिंग, आज मेरे पास 2.5 साल के बाद भी ये जो लोग मौजूद है ना, ये तो पता है एटलीस्ट वो डॉग नहीं है रैबिट है, सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू एंड गिव योरसेल्फ पैट ऑन द बैक, वरना 5, 10, 15 क्लास के बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे चले गए, राइट? बट 200 में से अगर 50-60 लोग बच गए हैं जो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, यानी कुछ तो रैबिट वाली हरकतें हैं आप सब में, सो आप सारे रैबिट के लिए अपने लिए तालियां बजा दो, राइट? सो ये सक्सेसफुल होने की निशानी है, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह पैशन मिल गया है, प्रिजर्वेरेंस भी आ जाएगी। अब प्रिजर्वेरेंस कैसे आएगी उसकी बात करते हैं, ये टॉपिक क्लियर है, राइट? हैप्पीनेस, आज आपने नई चीज सीखी, व्हेन यू सिट विद योर फैमिली एट योर डिनर लंच, तो आप नई चीज बताओगे कि चलो हम बात करते हैं हैप्पीनेस की एक और डेफिनेशन, दो चीजों से आती है, पैशन से और प्रिजर्वेरेंस से, ठीक है? सी यू कैन पिक अप गुड टॉपिक्स, राइट? बहुत सारी फैमिलीज बैठती हैं, दे सी टेलीविजन टुगेदर, बहुत सारी फैमिली दे डू गॉसिप टुगेदर, यू कैन ऑल्सो डू गुड शेयर टुगेदर। आप ट्रूली अगर देखो ना जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो बिलियनर्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट, कहते हैं ना पुअर पीपल टॉक अबाउट पुअर पीपल, अदर पीपल गॉसिप अबाउट अदर पीपल, एंड गुड पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। सो आपको देखना है कि आप लोग किस लेवल पर हो, आप लोग गॉसिपर्स हो, आप लोग एक दूसरे की वो नेगेटिव थिंकिंग निकालते हो, बुराई करते हो पीछे से, आप लोग इंसिडेंट शेयर करते हो, या आप लोग क्वालिटी टॉक करते हो, राइट? एंड एक दफा दो दफा लगेगा कि यार कभी हमने ऐसी बात की नहीं, बट देन वो हैबिट बन जाएगी, पीपल विल एंजॉय द डिस्कशन, राइट? मैं वाजीन बनने को नहीं बोल रहा, डोंट डू दैट, लोगों के पास टाइम नहीं है, बट डू दैट विद अ फ्लेयर, यू नो एंजॉय कराओ लोगों को। ओके, अब पैशन और कंसिस्टेंसी आए कैसे, माइंड को सक्सेस चाहिए, तो हमको ये समझ आ गया
कि माइंड को छोटी छोटी ऐसी चीजें दो, ऐसे गोल्स बनाओ जिसमें आपको पता है, जैसे बच्चे को आप इतने टास्क देते हो छोटे छोटे, वो कर लेते हो और आप तालियां बजाते हो, यू नो, वाह वंडरफुल, यू डिड द गुड जॉब. आपको अपने माइंड को भी वो इसी बच्चे की तरह पैम्पर करना पड़ेगा कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, ठीक है, मैं अपने आप के बारे में कुछ नहीं सोचता, यू नो, आई डोंट नो मैं किसी काम का हूं कि न्यू एट दिस एज. तो आप बोलो चलो एक काम करते हैं, 5 टास्क करता हूँ, आसान टास्क दो अपने आपको, आपको पता है, लिख लो गूगल कैलेंडर में, कीप में, नोट्स में, आज ही बना लो 5 टास्क, राइट, अपने पैशन से रिलेटेड, और इतने आसान बनाना कि उसको अगले 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने में कर डालना, और करके चेक लगाना और स्माइली फेस बना देना. किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बट आपके माइंड को पता चलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वाह एक चीज पूरी हो गई, वाह 2 चीजें हो गई, जबरदस्त 3 चीजें, 5 चीजें कर लोगे ना, आप अपना को पैट ऑन द बैक देना, माइंड खुश हो जाएगा. माइंड को क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए. समझ आया कैसे सक्सेस देना है? जितना बड़ा मसला है उस नंबर की गोली खिलानी पड़ेगी, राइट. सो माइंड सक्सेस हो गया. अब दूसरा पार्ट क्या है बॉडी के अंदर? हार्ट, राइट. हार्ट को क्या चाहिए? लव चाहिए. अब लव कैसे निकालेंगे? एक तो जापानीज तरीका है, रेंट अ फादर, रेंट अ ब्रदर, रेंट अ डैड, राइट, वो भी कर सकते हो. और क्या तरीका है? तो जब पेंट करोगे तो डबल ट्रिपल स्पीड से आइडिया आएंगे. तो अपने आप को पेंट कर लो, एक काम करो, अमेजोन से, कहीं से, वॉलमार्ट से 10-20 डॉलर का पेंट बॉक्स ले लो, कैनवस पेपर ले लो, सुकून से अपने यार्ड में बैठे हो, जाके बाहर गार्डन में चले आओ, अपने आप को पेंट करो, बोलो मैं हूँ कौन, ये हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, रेड कलर भरो, मैं पीसफुल हूँ, ब्लू कलर भरो, ग्रीनरी पसंद है, एग्रीकल्चर पसंद है, ग्रीन भरो, नेचर में देखो और क्या क्या मसले मसाइल है, ठीक है, लोगों को हेट करता हूँ, ब्लैक कलर भरो, लोगों को लव करता हूँ, वाइब्रेंट हूँ, येलो भरो, एट द एंड 10-15 मिनट बाद देखना कौन सा कलर ज्यादा कहाँ पे नजर आ रहा है, आपको अपना इमोशनल बैलेंस पता चल जाएगा, ठीक है. और वो पिक्चर किसी को बताओगे तो किसी को क्या, खुद को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन एटलीस्ट मैसेज मिल जाएगा कि यार मसला चल क्या रहा है. तो आप बेसिकली अपनी इमोशनल डायग्रामिंग कर रहे हो, लिख लो, एक वर्ड होता है इमोशनल डायग्रामिंग. आपको जो कलर ज्यादा मिलेगा ना, वो कलर आपके अंदर चल रहा होगा, राइट. तो कुछ लोगों में रेड ज्यादा होगा तो इसका मतलब है वो अग्रेसिव है, राइट. कुछ लोगों में येलो या पेल ज्यादा मिलेगा, वो सुकून वाले हैं. कुछ लोगों में ब्लैक मिलेगा, यानी लोग हेट कर रहे हैं या तो वो हेट कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए दुनिया से, राइट. कुछ में येलो ज्यादा मिलेगा, स्पिरिचुअल है, दीज आर द कलर्स ऑफ योर ऑरा. आप जो पेंट कर रहे होते हैं ना, वो ट्रू में आपके अंदर कलर्स होते हैं. आज फिजिकल साइंसेस ये भी प्रूव करता है, ऐसे कैमराज आ गए हैं जो ऑरा की फोटोज लेते हैं, ठीक है. यू मेड माई डे. अब क्या समझ आया? रिमेम्बर लास्ट टाइम वी डिस्कस द बुक ऑफ हाउ टू बिकम रिच, तो हमने एक बात देखी थी, कुछ लोग पैसा खर्चा करते हैं मुंह बना के, और कुछ लोग पैसा खर्चा करते हैं पैसे को थैंक यू बोल के, थैंक यू यार आज तू मेरे साथ था तो मैं उसकी वजह से अपनी फैमिली को डिनर करा पाया, अपनी फैमिली के लिए मेडिकल एक्सपेंस ले पाया, फैमिली को शॉपिंग करा पाया. दोनों में क्या हुआ? पैसे एक आदमी के अकाउंट से निकल के दूसरे में गया, बट जहां आपने पैसे को थैंक यू बोला, पैसा घूम के आया. जितने भी रिच लोग हैं वो ये बात लिखते हैं कि हम पैसे को एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करते हैं, बल्कि जो पुअर लोग हैं वो कहते हैं पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, चले जाता है. दोनों में क्या फर्क था ध्यान में रखो, एक में आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे जो दिखती नहीं है, और एक में नेगेटिव एनर्जी देते हैं वो भी दिखती नहीं है, लेकिन लाइफ में इफेक्ट होता है ना, आदमी अमीर हुआ गरीब हुआ वो सबको दिखता है, येस और नो? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो ज्यादा या कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हो पोल्यूशन में, वो भी दिखता नहीं है, लेकिन आदमी हेल्दी है, चेहरे पे रौनक है कि नहीं है, वो दिख जाता है, राइट. वैसे ही कर्मा दिखता नहीं है, लेकिन डिप्रेशन आज के जमाने में दिख जाता है, राइट. ऐसे मीटर्स भी आ गए. हम जो सारी बातें पढ़ रहे हैं ना, वो सब दिखती नहीं है, राइट. वो सारी बातें जो माइंड के लिए सक्सेस ना, उसके लिए हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो, बोले यार इनका 2024 में क्या फायदा, लेकिन अगर फायदा नहीं है तो वाई फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर ट्रेनिंग देयर सीईओज कि तुम ये सब सीखो ताकि तुम 100,000 2,000 बंदों की बड़ी बड़ी कंपनीज में टीम चला सको, राइट. तो एज अ मेंटोर, एज अ फैमिली सीनियर, जब आप ये वो लेवल का नॉलेज सीख रहे हो जो बेस्ट सेलिंग बुक्स है, तो आप बहुत नॉलेज लेके जा रहे हो अपने साथ, राइट. अब इसके साथ 2 चीजें कर सकते हो आप लोग, या तो उसको रख दो और थर्सडे थर्सडे सैटरडे सैटरडे आओ टाइम पास करो,
या तो आप बोलो नहीं यार मैं उस पॉजिटिव फोर्स को लेके कुछ प्लान करूंगा, राइट? वो प्लान क्या करोगे, उसका पैशन बनाओ और उसकी प्रिजर्वेरेंस करो, उस पर कंसिस्टेंसी रहो, और आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ की वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह अपनी लाइफ में कोई पर्पस मिलना शुरू हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन हेल्प किया होगा। वॉज इज गुड? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड द सेशन? सो अगेन लेट्स प्रे फॉर द ऑथर, फॉर द लर्निंग्स दैट वी गॉट। थैंक यू वेरी मच।